अभी एक प्रोग्राम हम करके देखते हैं जो इसमें हमें ये पता चलेगा रिलेशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है या उसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि दो वेरिएबल ले लिए ए और बी। यहाँ पे ये प्रोग्राम हम जितनी बार चाहें रन कर सकते हैं और रैंडमली यूज़र से हम वैल्यू ले सकते हैं। यानी कि हम पहले भी यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं लेकिन नहीं किया मैंने ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से हम टेस्ट कर सकें। अब क्या कि प्रिंट एफ यहाँ पे दो प्रिंट किया कि वैल्यू ऑफ़ ए बी का वो एंटर करे यूज़र। फिर यहाँ पे हमने दो वैल्यू ले लिया ए और बी में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ए इज़ लेस देन बी और इफ़ क्या है ये कंडीशन, ये हम अभी आगे हम देखेंगे जब कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे इफ़ के लिए। अगर नहीं समझ में आ रहा इग्नोर कर सकते हो आप, वैसे सीधे ये जनरली समझ में आ रहा है कि क्या इफ़ अगर ये कंडीशन सही है तो प्रिंट कर दे ए इज़ लेस देन बी। अगर कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर दोनों इक्वल है तो प्रिंट कर दे ए इज़ इक्वल टू बी। फिर यहाँ पे इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। और जितने सारे प्रोग्राम है अगर खुद से एक बार आप प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर रहेगा।